राधे राधे, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज रसोई विद कान्हा जी में मैं बनाने जा रही हूँ चीज साबुदाना वड़ा। तो जी, इस चीज साबुदाना वड़ा के लिए मेरे को जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये साबुदाना जिसे मैंने सो करके रख लिया था 4 आवर्स पहले, ये बॉइल्ड पोटैटोज है 4 ले लिए थे मैंने, ये कोरिएंडर लीव्स, ये फली इसे मैंने सेक लिया था और इसका छिलका निकाल दिया था। बाकी सीरियसली मैं क्या कोई इतनी ज़िद्दी थी कि कुछ कुछ तो निकाल ही नहीं रही थी। ये कॉर्नफ्लेक्स, ये जी मैदा, ये थोड़ा सा पानी इस मैदा की स्लरी बनाने के लिए, ये चीज़ 5 to 6 क्यूब्स लिए मैंने, ये ब्लैक सॉल्ट, ये जीरा और ये ग्रीन चिलीज। तो जी अब हमें क्या करना है, इन फली को और इस ग्रीन चिलीज को हमें साथ में ग्राइंड कर लेना है। देखिए जी, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है अच्छे से। अब कर लेंगे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स। परात ले ली है, इसमें मैं ऐड कर दूंगी हमारे सारे साबुदाना और इसमें मैं ऐड कर लूंगी हमारे इस जीरे को, इस ब्लैक सॉल्ट को, ये हमारे फ्रेश कोरिएंडर लीव्स को और हमारा ये जो मिक्सचर हमने बनाया था ग्राउंड नट्स का और ग्रीन चिलीज का, इसे भी इसमें ऐड कर दूंगी। तो जी पहले इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। बस अब इसमें मैं क्या करूंगी, हमारे इन आलू को डालूंगी और इसे मैं मैश कर दूंगी। आलू को मैंने मैश कर लिया था और इसका अच्छा सा एक डो टाइप सा बना दिया था। अब क्या करिएगा, अगर आप मेरी तरह फास्ट में हैं तो इसको क्या करना, थोड़ा सा निकाल देना और जैसे नॉर्मल हम वड़ा बनाते हैं साबुदाना के, ठीक वैसे ही बना देना। और अगर आप फास्ट में नहीं हो तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम इस मैदा में बिल्कुल ही थोड़ा सा पानी डाल के इसकी एक अच्छी सी स्लरी बना लेंगे। तो जी यहाँ पे मैंने स्लरी बना ली है। अब इसमें क्या करूँ, मैं थोड़ा सा हमारा ऑरिगेनो, बिल्कुल थोड़ा सा, और थोड़ा सा पेरी पेरी डालेंगे, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आने वाला है। और इसे भी मैं करूँगी अच्छे से मिक्स। इसमें मैंने ऐड कर लिया था ये पेरी पेरी और ऑरिगेनो। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर हमारा ये साबुदाना वड़ा का डो ले लेंगे और इसे हम अभी थोड़ा सा फ्लैटन करेंगे, ओके, इस तरह। और अब क्या करेंगे ना, इसके बीच में हमारा ये चीज़ का क्यूब इसके ऊपर रख के इसे वापस से हम पैक कर लेंगे और इसे थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। इसी तरह मैं 5 to 6 बना लूँगी। यहाँ पे मैंने इन सबको अच्छे से हमारे वड़े बना लिए इसमें चीज़ ऐड करके। अब क्या करेंगे ना, इसको पूरी तरह से आप डिप नहीं करना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा वरना, बस थोड़ा सा इस पर इस मैदे के स्लरी को इसके ऊपर कोट कीजिएगा, सेम पीछे की साइड भी। अब इसको आप क्या करो, डायरेक्टली इस कॉर्नफ्लेक्स में डाल के इसको अच्छे से आप कोट कर लो। जितना हो सके ना उतना इसको ऐड कर दो, इस तरह की। इसी तरह इन सारे बॉल्स को भी मैं इसी तरह से कर लूँगी, सेम यही प्रोसेस, ओके। तो लीजिए जी, मैंने इन सारे बॉल्स को बना लिया है, मैंने वड़ा को। अब इसे कर लेते हैं डीप फ्राई। तो मैंने कढ़ाई ऑलरेडी हीट करने के लिए रख दिया था, ऑयल को। चलिए इसे कर लेते हैं डीप फ्राई। एक एक करके मैं हमारे इस चीज़ साबुदाना वड़ा को इसमें छोड़ते जाऊँगी। पहले मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है, फिर धीरे धीरे मैं इसको हाई फ्लेम पे करूँगी, बिकॉज आई वॉन्ट कि मेरा चीज़ मेल्ट हो जाए। एंड आप जानते ही है कॉर्नफ्लेक्स कितनी जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, राइट। आई कैन इवन स्मेल इट राइट नाउ, अभी भी मुझे स्मेल आ रही है बहुत ही प्यारी कॉर्नफ्लेक्स की। इसे आप बिल्कुल ही टच मत कीजिएगा, एटलीस्ट तब तक जब तक कि आप इस पर गोल्ड कलर ना दिखे, वरना इसके टूटने के भी चांसेस है। अब मैं फ्लेम को हाई कर लूँगी।
सिर्फ इन 5 to 10 सेकेंड्स के लिए हमको फ्लेम को एकदम मीडियम पे रखना है, उसके बाद हमें हाई कर देना है। तो अब जी गोल्डन कलर मुझे थोड़ा सा दिख रहा है हल्का हल्का, तो इसे मैं पहले फ्लिप कर लूँगी, सारे फ्लिप कर लूँगी मैं। तो जी ये बन चुके हैं, देखिए इसे मैं निकाल लूँगी। तो जी देखिए ये बिल्कुल ही बन चुके हैं, जिसके ये गर्म गर्म है, तो मैं आपको अभी इसके बीच में वो चीज़ दिखा दूँगी कट करके, बिकॉज बहुत गर्म है तो हाथ से तो मैं तोड़ ही नहीं सकती। देखिए तो जी देख के तो मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है, बट मेरा फास्ट है आज एकादशी का, तो मैं नहीं टेस्ट कर पाऊंगी। बट चलिए फटाफट से कर लेते हैं इसकी प्यारी सी प्लेटिंग। तो लीजिए जी मेरी प्लेटिंग भी बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है, इसे मैंने मिंट चटनी के साथ सर्व कर दिया है और टोमेटो केचप भी ऐड कर दूंगी। तो इसके ऊपर से मैं हमारे इस केचप को अच्छे से ड्रिजल कर लूंगी। तो जी सेम परसों की तरह अभी भी मेरा भाई आपको टेस्ट करके बताएगा कि ये रेसिपी कैसे बनी है। ओके यार टेस्ट करना पड़ेगा इसको, बहुत मस्त लग रहा है, टेक्सचर वगैरह सब कुछ ये देखिए मजा एकदम मस्त लग रहा है। अभी लेता हूँ इसका प्यारा सा बाइट। पुदीने की चटनी तो लाजवाब है, मतलब और उसके साथ मतलब सोने पे सुहागा हो गया, बहुत मस्त है। आप सब भी ट्राई कीजिएगा घर पे ज़रूर। तो जी ले लिया आपने रिव्यू, तो जी आप इस रेसिपी को ज़रूर से अपने घरों में कीजिएगा ट्राई और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड गाइस प्लीज़ जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, उनके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और इस रेसिपी के भी इंग्रीडियंट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।